डूबते को तिनके का सहारा, भाई इसी तरीके से ये कहावत सच हो रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्स की तरफ से कुछ नया अपडेट भी दिखाई दे रहा है। भाई जब से हैमस्टर कॉम्बैट का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कब एयर ड्रॉप्स लेकर आएंगे, और ये डॉक्स ने एयर ड्रॉप्स लेकर आ चुका है। भाई वो कहावत है ना, हमें तो हैमस्टर ने लूटा, डॉक्स में कहा दम था, हमारा पीपीएच भी इतना बढ़ गया पर बैलेंस कॉइंस कम था। ऐसे इस तरीके से डायलॉग मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं यार, भाई दिमाग खराब हो गया है, डेट पे डेट बढ़ते जा रही है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन से इस पे डायरेक्टली डॉक्स लिस्टेड हो चुका है और कब इसकी वैल्यू होने वाली है और किस तरीके से आपके इसमें जो नया अपडेट दिखाई दे रहा वो क्या है। देखिए हैमस्टर और इसमें कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटीज भी है। यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कितनी मेहनत करेंगे यार, हैमस्टर में पूरा दिमाग का दही हो गया पर समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ चल रही है। डिपॉजिट टू एक्सचेंज, भाई एक्सचेंज में डिपॉजिट कर चुके थे हमने 60,000 डॉक्स, हमारे इसमें दिखाई दे रहा। इसके सामने में किसी की मैं OKX, बाईबिट, बिटगेट या गेट आयो कुछ भी दिखाई दे रहा हूँ, या टेलीग्राम का वैलेट, सिर्फ वैलेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप क्लिक कर रहे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा डिपॉजिट टू बाईबिट इन प्रोग्रेस, आपका जो 60,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी है सबको कहाँ कर दिया गया है, डायरेक्टली बाईबिट पर भेज दिया गया है, वो इन प्रोग्रेस है। ओके, डॉक्स विल बी अवेलेबल ऑन द लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट पर ये डॉक्स हो जाएंगे। पहली बार मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि मैंने जो लिस्टिंग की डेट बताया वो 26 अगस्त को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉक डे है। और मैंने पिछले बार बताया कोई कोई इसमें जब डिपॉजिट कर रहे थे तो उसमें जो प्रोग्रेस दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि भाई 26 अगस्त, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, पर मैं चाह रहा हूँ खुद होके कि भाई गलत हो, 26 अगस्त ना हो, 23 अगस्त ही हो, ठीक है, तो भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर कहीं कहीं क्या बहुत सारे एक्सचेंज पर टाइमिंग काउंटडाउन टाइम जो रहता है ना वो भी चालू कर दिया गया, पर दिक्कत कहाँ आ रही है अभी हमें, ठीक है भाई डॉक्स आप एयर ड्रॉप्स दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा हैमस्टर का ट्रैफिक इसमें ही लेकर आ जाएंगे, आप एक अच्छा सा एयर ड्रॉप्स हमें दे दो, अमाउंट की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती ही है हर किसी को। पर हैमस्टर कॉम्बैट का जैसे कि एडवर्ड है ना, वो बंदा सही में ऑनर है या नहीं है पता नहीं, पर इसका ऑनर भाई हमें पता रहना चाहिए। पता चल रहा है ये भी फ्रॉड कर दे, अब फ्रॉड झेलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है भाई, कहीं ना कहीं से एयर ड्रॉप दे दो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना डूबते को तिनके का सहारा, भाई हैमस्टर से इतना ज़्यादा डूब चुके हो कि भाई अभी हमें डॉक्स ही थोड़ा सा सहारा देख सकता है। यहाँ पर मैं गया हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्स लिस्टिंग कमिंग सून, व्हाट्स यू नीड टू नो, हमें इससे काम नहीं है, हमें ये काम है, डॉक्स इज ए मीम्स कॉइन इंस्पायर्ड बाई स्पॉटी एंड बिलव्ड मॉस्कॉट ऑफ वीक द रशियन सोशल मीडिया जैन क्रिएटेड बाय द पेवेल डुराव। अब ये सोशल मीडिया जैंट है, और कल ही मैंने बताया दो बड़े बड़े जो बिजनेस मैन है रशिया के वही कह रहे थे हैमस्टर कॉम्बैट बहुत ही बड़ा स्कैम है, मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए हो, ब्रिंग जॉय एंड वैल्यू टू इट्स यूजर थ्रू द फन एंड एंगेजिंग प्लेटफॉर्म। इसमें ये तो पता चल रहा है कि भाई ये किसने क्रिएट किया है, तो भाई चलिए इसका तो ये मतलब लग रहा है कि भाई फ्रॉड तो नहीं करेंगे, 2-3 दिन इतनी जल्दी ये लिस्टिंग नहीं करता अगर उसको पैसा ही कमाना होता है तो। तो यहाँ पर 60 लाख के आसपास, और अभी भी और ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 1 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों ने अभी तक डिपॉजिट कर चुके हैं, अपना कनेक्ट कर दिया है कोई भी टोन वैलेट या कोई टोन कीपर कुछ भी चीज़, ठीक है, उसके साथ साथ एक एक्सचेंज कनेक्ट करना जरूरी है, और उसमें भी KYC आपके कंप्लीट होना चाहिए। KYC सबसे पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं बाईबिट पर, OKX पर। चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं, हम शुरू करते हैं गेट आयो से, जस्ट पिछले बार भी इन्होंने बताया है, लास्ट जो अपडेट आया था। ओके, तो यहाँ पर लिखा है गेट आयो ऐड हो चुका है आपके इसमें जो नया एक्सचेंज था, अब आप इसमें भी अकाउंट क्रिएट करके डायरेक्टली अपने डिपॉजिट पूरे एक एक्सचेंज पर डाल सकते हो, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ से हम चलते बैक, यहाँ पर दिखा रहा हूँ गेट आयो पर लिस्टिंग तो हो गई है, डॉक्स इन प्रोग्रेस, इसकी वैल्यू पर 0.0015 हो रही है, ठीक है, USDT, एक USDT मिलेंगे आपको, 0.0016 USDT मिलेंगे आपको एक डॉक्स पर। अब आपके पास 50,000 डॉक्स है या 60,000 है, उसकी वैल्यू आप इधर से निकाल सकते हैं, 0.0016, ओके, 60,000 के निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 0.00169687,9,68 रुपये मुझे मिल जाएंगे, चलिए भाई ओके। यहाँ से हम नेक्स्ट चेक करते हैं OKX पर, तो OKX कुछ ज़्यादा, अरे भाई इतनी स्पीड से नहीं बढ़ता यार, भाई डॉक्स USDT में 0.003 था, 0.004 पे आ गया भाई, अचानक से ग्रो हुआ। यहाँ पर देखिए वाव यार, इतना कभी नहीं बढ़ा यार, यहाँ से बढ़ा है फिर कम हो गया है, जस्ट एकदम से ये इंक्रीज हुआ, ये देखिए कितना था 0.003 था, अचानक से 0.0041 हो चुका है, अब 0.00 चेक करते हैं ना भाई,
अगर भाई मान के चलिए ओके एक सबसे ऊपर में टॉप में एक्सचेंज दिखाई देता है आपको 41 into क्या है 83, हाँ क्या बात है 20,000 रुपए। हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है 20,000 इतना हमारी वैल्यू है, इतना दे सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है ओके एक्स। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं डॉक्स है, ठीक है अगर आपको लगता है तो आप चेक भी कर दो DOGS डॉक्स USDT, यहाँ पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको इनकी वैल्यू पता चल जाएंगी। ओके और ये 2 दिन बचे हुए है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पर, ये लेवल बहुत ज़्यादा बता रहा है, मतलब अगर मैं दोबारा चेक कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगेगा इसमें। तो अगर मैं बिटगेट पर जाता हूँ और बिटगेट पर अगर मैं प्री मार्केट चेक करता हूँ, ओके प्री मार्केट में कितनी वैल्यू दिखा रहा है, ये 0.00 1413 वो 13 दिखाता है, ये 14 ये वैल्यू सही दिखा रहा है इसमें। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 0.0014 मतलब हमें उतना ही पैसा मिलेगा पहली बार में, मैंने जो आपको बताया था ना 6,000-7,000 रुपये के आसपास, 4,000-5,000 भी मिल सकता है। यहाँ पर भी ओके है सब चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके इन्होंने सब ओके करके रखे। और अगर मैं जाता हूँ बाईबिट पर, तो बाईबिट पर अभी तक लिस्टिंग भी नहीं हुई है, मतलब शो हो रहा है कि भाई डॉक्स के एड्रेस के लिए डॉक्स आपका शो होना जरूरी है। पर आप यहाँ पर स्पॉट्स पर जा सकते हैं, प्री मार्केट के बाजू में यहाँ पर तो नहीं हुआ है, स्पॉट एक्स पर जाएंगे तो ये बोल रहा है कि भाई ट्रेड आप शुरू कर सकते हैं पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जा रहा हूँ, ये देखिए डॉक्स, ये डॉक्स दिखाई दे रहा है प्राइस पूल, भाई प्राइस पूल भी दे रहा है बंदा जीतने के लिए। और ये जो ट्रेड कर सकते हैं ये है 23/8, ये भी 23 तारीख शो करने लग चुका है, ठीक है ट्रेड लेटर बाद में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको और ज़्यादा ये डॉक्स देंगे, पर इसमें कुछ प्रॉफिट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इनकी तरफ। इनका कहने का मतलब मेरे पास आओ और डिपॉजिट करो, मैं आपको और ज़्यादा डॉक्स दूंगा, और ज़्यादा डॉक्स से आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर इतना ही शो हो रहा है और ये 23 तारीख बता रहे हैं और ये शायद 23/8 को ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये थोड़ा सा और डिले करेंगे डेट बढ़ाएंगे तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सेल बिल्कुल मत करना, अगर आपको लगता आप सेल करना चाहे तो कर सकते हो। लोगों के मन में डाउट हो रहा है सर हम यहाँ पर मान के चलिए सेल कर दे, वैल्यू नीचे चली गई वहाँ से जाके हम परचेस कर लेंगे, तो भाई कर सकते हो आप, आपके ऊपर है, पर वैल्यू कितनी मिल रही वो पहले आप चेक कर लेना। 10,000 है तो भाई उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 20,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 10,000 है 0.0014 ले लेते हम, ओके तो ये 14 में कितना आ रहा, 14 ही आ रहा है सॉरी इंटू 83 मतलब 1,000 रुपये के आसपास, 10,000 में 1,000 रुपये आपको मिलने वाले, बस यही इसकी आखिरी वैल्यू के आसपास चल रहा है। आप थोड़ा सा वेट करना, देख लेना 23 तारीख को इसका लिस्टिंग हो जाएंगे। KYC कंप्लीट करना जरूरी है, वरना KYC के बिना आप ये नहीं ले सकते। और जिनने टोन वैलेट कनेक्ट किया है, अगर P2P से आप एक्सचेंज करें तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी एक्सचेंज पर सेंड करेंगे आप तो भाई उसके लिए आपको टोन की ज़रूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी एज ए गैस फीस। ओके तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं डॉक्स कब लॉन्च होता है। ओके और हाँ एक चीज़ और भाई, इससे बचना, बहुत बचना, लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, क्लेम रिवॉर्ड्स क्लेम किया हूँ मैंने, मुझे डॉक्स पर लेकर गया है और यहाँ पर आपको शो होगा इस तरीके से डॉक्स नॉट कॉइन, भाई बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्लिक करो क्लेम, यहाँ पर आपने कनेक्ट किए टोन और जितने भी आपके इसमें टोन है सब के सब गायब हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहा है फ्रॉड के चक्कर से बचिए, भाई 5,00,000 टोन्स मिल जाएंगे, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, भाई लालच बुरी बला है और लालच जो जो करना सब बर्बाद हो रहे हैं ठीक है। हिस्ट्री में जाकर भी यहाँ पर मैंने आपको शो करवाया था, यहाँ पर ये जो NFT दिखाई दे रहा है भाई कुछ नहीं है, क्लिक कर रहे हैं आपके टोन्स गायब हो जाएंगे, स्कैम से जितना ज़्यादा हो सकता है आप बच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके भाई डॉक्स कितने हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, आप कितनी अर्निंग कर रहे हो मैं भी देखना चाहूँगा। ओके और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब चैनल, ऐसा सिंह जी ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।